भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20 श्लोक इस प्रकार है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। विस्तार से, न जायते न जन्मता है, नेवर टेक्स बर्थ, म्रियते मरता है, डाइज, वा तथा यह इधर, कदाचित कभी, एट एनी टाइम, न अयम न यह, नेवर दिस, भूत्वा उत्पन्न होकर, हैविंग बॉर्न, भविता होने वाला नहीं है, विल कम टू बी, वा न भूये न ही फिर से, और इट अगेन, अजय जन्म रहित, अनबॉर्न, नित्य निरंतर रहने वाला, एटर्नल, शाश्वत है अयम, ये शाश्वत है, दिस इज परमानेंट, पुराण है, अनादि है, ओल्डेस्ट, न हन्यते, नहीं मारा जाता, नेवर किल्ड, हन्य माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी, अपॉन किलिंग द बॉडी, हिंदी में समझ लेते हैं, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न मरता ही है तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन औ पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। English, this self is never born, nor does it perish, nor having come into existence, will it again cease to be. It is birthless, eternal, changeless, ever same. It is not slain when body is killed. शरीर में 6 विकार होते हैं, उत्पन्न होना, समर्थ दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। इसमें से 2 विकार मुख्य हैं, जन्मना और मरना, शुरू का और आखिर का। अब ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अर्जुन को समझाने के लिए 2-2 बार निषेध किया है शरीर के गुणों का। पहले न जायते कहा, कमल जन्म नहीं लेता, दूसरी बार अजय भी कहा, इसका भी मतलब यही होता है अजन्मा है, ये कहा, फिर इसको म्रियते कहा, मरने वाला, और इसी श्लोक में न हन्यते हन्य माने शरीरे, इसका भी वही मतलब है, मारा नहीं जाता। इतनी महत्वपूर्ण ये बात है, परिवर्तन केवल शरीर में होते हैं, आत्मा में नहीं। आधी उम्र बीतने के बाद शरीर घटने लगता है, लेकिन आत्मा या शरीरी में ये क्षय नहीं होता। यहां पर एक छोटी सी बात बता दूं, आत्मा को कई बार पुल्लिंग और कई बार स्त्रीलिंग के रूप में कहीं कहीं लिखा है, तो आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए आत्मा शरीर में रहती है ये कहें या शरीर में रहता है, एक ही बात है। आगे, हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने की है। जैसे आंख, नाक, हाथ, पैर, कान आदि, ये अपनी जगह स्थिर रहते हैं, इसलिए इनको अंग कहते हैं,
लेकिन शरीर से बहने वाली चीजें जो कि स्थिर नहीं है, जैसे मल मूत्र कफ फोड़ा फुंसी, ये हमारे अंग नहीं होते। अब इसकी तुलना आत्मा से देखिए, आत्मा की तुलना में शरीर भी बहने वाला है, प्रतिक्षण बदल रहा है और मृत्यु की ओर जा रहा है, इसलिए वह आत्मा का अंग नहीं है। आत्मा शरीर से चिपकी हुई नहीं है, बल्कि शरीर आत्मा से चिपका हुआ है और वह धीरे धीरे क्षीण होकर एक दिन छूट जाता है। शरीर के तीन प्रकार होते हैं, भौतिक शरीर मटेरियल बॉडी, सूक्ष्म शरीर एनर्जी बॉडी और कारण शरीर कॉजल बॉडी। भौतिक शरीर पांच महाभूतों फाइव एलिमेंट्स की सहायता से धरती से लिए गए भोजन से धीरे धीरे बनता बढ़ता है और आखिर में क्योंकि धरती का चीजों का बना हुआ है इसलिए पृथ्वी इसको वापस ले लेती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है हमारा वो कर्म और संस्कार को आगे ले जाकर नया जीवन आरंभ करता है और कारण शरीर कॉजल बॉडी अपने मूल स्रोत परमात्मा में विलीन हो जाता है। अपना रूप धरे कोन्या, देह भीतर कर बसेरा अपना रूप धरे कोन्या। कट पिटे जरे कोन्या समझण की कोशिश कर, कट पिटे जरे कोन्या न्यू समझण की कोशिश कर। स्थूल सूक्ष्म कारण दे रहते इसके अंदर अंदर, स्थूल सूक्ष्म कारण दे रहते इसके अंदर अंदर।